देखना है, तलाश करनी है मुझे, ताकि जो है जंगली मशरूम मिल जाए। मुझे तो काफ़ी चलना पड़ेगा, मेरे को काफ़ी तलाश करनी पड़ेगी, तो मैं उसके तलाश में निकल चुका हूँ। तो अभी मैं तलाश पे हूँ, तो देखते जाइए। अभी मेरे को काफ़ी टाइम हुआ चलते चलते, अभी तक कोई एक भी मशरूम नहीं मिला मुझे, तो देखते हैं, कुछ ना कुछ हाथ लगेगा पक्का आज। यस, इनको खाया जा सकता है वाला मशरूम, ये देखिए। लेकिन ये भी खाने लायक नहीं होता है, काफी अच्छा है ये, लेकिन ये भी खाने लायक नहीं है। चलो, हमें और तलाश भी करनी पड़ेगी। और ये देख सकते हैं आप कितना मुलायम होता है ये मशरूम। ये खाने लायक होती है, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो खाने लायक मशरूम है, इसको जंगली मशरूम कहा जाता है। इसको मैं कलेक्ट करूंगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं मशरूम के बारे में। हिंदी भाषा में इसे कुकरमुत्ता कहा जाता है। अगर हम सिराची भाषा की बात करें तो इसे छाची और गुछिया के नाम से जाना जाता है। यह एक फंगस होती है जिसे हम सब्जी के रूप में उपयोग में लाते हैं। सामान्य तौर पर यह चीड़ और देवदार के घने जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगती है। आमतौर पर यह बरसात के मौसम में उगती है और इसके लिए 20 से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। दुनिया भर में इसकी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, हालांकि इसकी कृषि भी की जाती है, लेकिन बड़े मात्रा में उत्पादन करने के लिए इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां बना पाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। अभी अपनी स्क्रीन पर जो मशरूम आप देख रहे हो वो ऑयस्टर मशरूम कही जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर बात की जाए तो मशरूम काफ़ी फायदेमंद होता है। इसमें प्रोटीन, रेशे और विटामिन बी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है और इसका सेवन करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। औषधीय गुण होने के साथ साथ यह बाजार में काफ़ी अच्छे दामों में बिकता है। यह दुनिया भर में एकमात्र ऐसी सब्जी है जिसका ना तो बीज होता है और ना ही पत्तियां, जिस कारण इसे फंगस कहा जाता है। और इसे उगाने के लिए सूर्य की रोशनी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ती। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे कि सिराज आदि में यह फंगस प्राकृतिक तौर पर पाई जाती है।